गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखिए, मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और भीड़ भाड़ से दूर रहे। कोरोना की इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना है, स्वयं तो ध्यान रखना ही है, साथ साथ हम दूसरों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक करें, जब तक कि कोरोना महामारी जो है देश से ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो जब मैंने आप लोगों को भेजी थी तो आप लोगों को जो है प्रत्यय का जो है मैंने कृत प्रत्यय पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय का दूसरा भाग, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने जो है कृत प्रत्यय पढ़ा था तो उसमें मैंने कहा था कि अब जो भी जो है क्रिया के मूल रूप धातु रूप से जो भी बनते हैं प्रत्यय, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होगा? क्रिया को छोड़कर सभी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, ठीक है, इन सबसे बनने वाले, इन सब में जुड़ने वाले नए शब्द जो है क्या है, उनको कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय, ठीक है। क्रिया को छोड़कर सभी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव में जुड़ने वाले और नए शब्द जो है, नए शब्द बनाने वाले शब्दांशों को तद्धित प्रत्यय हम कहेंगे। उदाहरण देखेंगे, जैसे पूजा धन आरी, आरी क्या है, इसमें प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, पुजारी। पूजा संज्ञा शब्द में हमने क्या जोड़ा, आरी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, पुजारी बन गया, ठीक है। ऐसी चमक धन इला, चमकीला। आगे धनला, अगला। अपना धन तो अपनत्व। अब तद्धित प्रत्यय से जुड़ने से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धितांत, ठीक है। तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 10 प्रकार के होंगे, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे देखा है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब हुआ कर्ता का बोध कराने वाले, ठीक है, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे लोहा, सोना, कुंभ। इन शब्दों में अगर हमने आर प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, लोहार, लोहे का काम करने वाला लोहार। सुनार, सोने का काम करने वाला सुनार। कुंभकार, कुंभ यानी घड़ा, तो घड़े का बनाने वाला कुंभकार, ठीक है बेटा। ऐसी और उदाहरण भी इसमें देखो, जैसे ये है भीख, तो आरे भिखारी, भीख मांगने वाला। पूजा, आरी प्रत्यय लगा तो पुजारी, पूजा करने वाला। जुआ, इसमें आरी प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, जुआरी। ऐसे और देखेंगे, हत्या, इसमें आरा प्रत्यय लगे तो हत्यारा। लाठी, डाकू, इसमें एत लगा तो लठैत, डकैत। लूट, सांप, इन शब्दों में अगर एरा प्रत्यय लगे तो लुटेरा, सपेरा, ठीक है। ऐसे ही खेल, खेल में आड़ी प्रत्यय लगा तो खिलाड़ी। दुखी, दुखी में इया लगा तो दुखिया। रसोई में इया लगा रसोईया। मुख में क्या है, इया लगा तो मुखिया, ठीक है। ऐसे ही अड़तिया, इसमें आढ़ था उसमें लगा तो अड़तिया। होनी, होनी में हार हमने क्या लगाया, प्रत्यय लगा तो क्या हो, होनहार। लकड़ी, पानी, इनमें क्या हारा लगाया तो लकड़हारा, पनिहारा, ठीक है। फिर है घर, पान, टोपी, इसमें वाला लगाया हमें प्रत्यय तो क्या है, घर वाला, पान वाला, टोपी वाला। लिपि, लेख, पाठ में क प्रत्यय लगा तो क्या होगा, लिपिक, लेखक, पाठक, ठीक है, समझ गए हो। ऐसे पत्र, साहित्य, चित्र, कला, इनमें का लगाया तो चित्रकार, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, ये सारे जो है इनमें आ गए। और यहाँ पे तेल, भंडार, रोग, योग में ई लगा तो तेली, भंडारी, रोगी, योगी। इसके अलावा दूसरा है इसका क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है इसका, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिसका क्या मतलब हुआ बेटा, भाववाचक संज्ञा का बोध कराने वाले, जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराए। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा, लकड़ा, लड़का, पागल, अपना, इन सब में अगर हमने पन
प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, बचपन, लड़कपन। ये देखो ये सारे जो है भाववाचक संज्ञा है, पागलपन, अपनापन, ठीक, भाववाचक संज्ञा के ये उदाहरण है, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है बच्चों, इसके और उदाहरण हम यहाँ पे देख लेंगे, और उदाहरण पाठ्य पुस्तक में आपके ऐसे जैसे मीठा खट्टा, इसमें आस लगाए तो क्या होगा, मिठास, खटास, ठीक है, और भला, बुरा, लंबा, चौड़ा, गहरा, इनमें आई लगाया तो भलाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सारे क्या हैं, भाववाचक बना रहे हैं, ठीक है। प्रभु, लघु, वीर, सुंदर, मानव, इनमें ता लगाया तो प्रभुता, लघुता, वीरता, सुंदरता, मानवता, ठीक है बच्चों। ऐसे और भी हैं इसके उदाहरण, ये देख लेंगे हम लोग, और उदाहरण इसके जैसे ठंडा, लक लगाया तो ठंडक, मंद तो मादक, कड़ा तो कड़क, बूढ़ा बुढ़ापा, पूजा पुजापा, ठीक। संग के साथ त लगा तो संगत, रंग के साथ त लगा प्रत्यय तो रंगत। इसे और भी देख लीजिए उदाहरण, इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक में भी है ये उदाहरण। और बच्चों आप जब अपनी नोटबुक में इसको करेंगे तो आप क्या करेंगे, बीच बीच में जो है वीडियो को रोक के, और आप लोग इसमें से भी वीडियो से जो है अपनी जो है नोटबुक जो है आपकी उसमें जो है इनको कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थर्ड देखेंगे हम ग, ये है संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध का बोध कराने वाले, ऐसे शब्द बनेंगे जो क्या होगा, किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे चाचा, मामा, फूफा, मौसा। एरा प्रत्यय हमने लगाया तो क्या हुआ, चचेरा, यानी चाचा से जुड़ा हुआ है ना, ममेरा, मामा से जुड़ा, फुफेरा, फूफा से जुड़ा हुआ, और मौसेरा, मौसा से जुड़ा हुआ, ठीक। इसके उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, जैसे ससुर, और आ लगाया हमने प्रत्यय तो क्या गया, ससुराल। नाना, हाल लगाया प्रत्यय तो क्या गया, नैनिहाल। नगर, धर्म, पुराण, विज्ञान, नीति, में एक लगाया तो नागरिक, धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, नैतिक, ठीक है। शिक्षा, उद्योग, लोक, तो शैक्षिक, औद्योगिक, अलौकिक, ठीक। बहन, भ्रात के साथ क्या लगाया, जा लगाया तो क्या होगा, भानजा, भातृजा या भतीजा, ठीक है बेटा। और बंगाल, पंजाब, गुजरात, जैसे इनमें क्या ई लगाया तो बंगाली, पंजाबी, गुजराती, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये समझे आप लोग कि संबंधवाचक क्या है, इन सब में देखिए ये हमने जब प्रत्यय लगाया तो क्या है, इनसे संबंधवाचक ऐसे शब्द बने जो संबंध बताए किसी वस्तु से या व्यक्ति से, ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में होना क्या है, गुण का बोध कराने वाले, ऐसे प्रत्यय जो गुण का बोध कराए, है ना। जैसे चमक, पत्थर, रंग, रस, चमक। चमक में हमने इला, अगर हमने क्या किया इसमें प्रत्यय लगाया तो क्या हो जाएगा, चमकीला, उसका गुण हो गया ना, कैसा है वो, चमकीला है, ठीक है। फिर पत्थर, पत्थर में क्या लगा तो पथरीला, ठीक है। रंग, इला लगा इसमें प्रत्यय तो क्या हो गया, रंगीला। रस, इसमें इला प्रत्यय लगे तो क्या हो जाएगा, रसीला, ठीक है। और भी उदाहरण इसके हम लोग देख लेंगे बच्चों, जैसे यहां पर भी हैं, ठीक है। भूख, प्यास, प्यार, ठंड, इनमें आ लगा तो क्या बना, भूखा, प्यासा, प्यारा, ठंडा, ऐसी। दया, कृपा, ईर्षा, इनमें आलू लगा तो दयालु, कृपालु, ईर्षालु। पेट, बाजार, इनमें ऊ लगा तो पेटू, बाजारू, ऐसी। सोना, हरा लगा तो सुनहरा। धन, लोभ, क्रोध, ज्ञान, में ई अगर प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा, धनी, लोभी, क्रोधी, ज्ञानी, ऐसे। और भी देख लीजिए आप लोग इस तरीके से, ये जो है
मूल शब्द हैं, इनमें ये प्रत्यय लगे हैं और इनसे जो है ये नए शब्द बने। ठीक है, जिस सारे शब्दों को आप लोग जितने भी ध्यान से देखेंगे, ये सारे शब्द क्या हैं, गुणवाचक शब्द हैं। ठीक है, गुण का बोध करा रहे हैं, गुणवाचक विशेषण का बोध करवा रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, ये सारे शब्द किसी के भी गुण का दिखा रहे हैं, गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक, कोई ना कोई गुण जरूर बता रहे हैं, समझ गए आप लोग? ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो है आपका स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होगा कि स्थान का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द होंगे जो कि किसका बोध कराएंगे, स्थान का बोध कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे शहर, देहात, जापान। तो ई लगा प्रत्यय तो क्या होगा, शहरी यानी शहर में रहने वाला, देहात यानी देहात में रहने वाला। ठीक है, और जापान यानी जापान। ठीक, फिर है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा बेटा, क्रम का बोध कराने वाले, क्रम का बोध कराने वाले। जो क्रम का बोध कराए, ठीक है, क्रम यानी एक दो तीन चार, पहला दूसरा तीसरा, स्थान का बोध कराए, जो नहीं क्रम का बोध कराए कि किस क्रम में है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, सौ, नौ, सात, आठ। ठीक है, ये मूल शब्द हैं बेटा, हाँ मूल शब्द हैं ये, इनमें हमने प्रत्यय लगाए वा। क्या प्रत्यय लगाए? वा। तो अब देखिए, सौ, सौ में वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, सौवा। क्या बन जाएगा? सौवा, यानी सवे नंबर पे, है ना, क्रम बताया ना कौन सा नंबर पे, सवे नंबर। नौ, नौ में वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? वेरी गुड, नवा। क्या हो जाएगा? नवा। ऐसे ही सात, सात में वा प्रत्यय लगेंगे तो क्या हो जाएगा? सातवां, गुड। ठीक है, आठ, आठ में वा लगाएंगे तो आठवां, वेरी गुड, आठवां। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि क्या बताया मैंने आपको, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होना है, क्रम का पता चलना है। जैसे हमने अभी ये उदाहरण देखे ना, ठीक है, इन उदाहरणों से पता चल गया कि ये कौन से नंबर पे, सवा है, आठवां है, नवां है, सातवां है। ठीक है, और भी उदाहरण इसके देख लेंगे हम, जैसे दो, तीन, इसमें क्या लगा प्रत्यय? सरा। तो दूसरा, तीसरा, दो तीन एक में हरा लगा तो दोहरा, तिहरा, इकहरा। दो तीन सौ में गुना लगा तो दो गुना, तिगुना, सौ गुना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखेंगे इसके बाद जो है हमारा, ये है अपत्य वाचक। अपत्य वाचक, अपत्य वाचक तद्धित प्रत्यय। क्या मतलब हुआ इसका? इसका हुआ कि संतान का बोध कराने वाला, संतान का कराने वाला। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जो संतान का बोध कराए। ठीक, जैसे उदाहरण हम देखेंगे बेटा, गंगा, हमने लिया शब्द गंगा, तो गंगा में ए प्रत्यय लगाया तो क्या, गंगे, गंगे यानी गंगा का पुत्र, गांगे यानी गंगा का पुत्र। ठीक, ऐसे ही जो है कुंती, तो क्या हो जाएगा, ए प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा बताइए, कौंते, क्या हो जाएंगे, कौंते यानी कुंती के
पुत्र कौन ते। ठीक है, ऐसे ही राधा, राधा में ए लगा तो क्या हो जाएगा, राधे, राधा की संतान। ठीक है, दिति, दिति में य लगा तो दैत्य, यानी दिति की संतान। ठीक है, सांडल्य, य लगा तो क्या बने, सांडल्य, सांडल्य, सांडिल की संतान, सांडल्य, सांडिल की संतान, सांडल्य, दैत्य, दिति की संतान। समझ गए बच्चों? इसके बाद जो है ज देखेंगे, लघुतावाचक, लघुतावाचक, लघुता छोटा। ठीक है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, लघुता का बोध कराने वाले, लघुता नहीं छोटा, लघुता का बोध कराने वाले। लघुता का कराने वाले, लघुता का बोध कराने वाले। ठीक है, उदाहरण के लिए देखेंगे, बाबू। ठीक है, आ लगाया रखते तो क्या हो गया, बबुआ, यानी छोटा। है ना, ऐसे ही यहां पे देखेंगे आप लोग, लोटा, यह लगा तो लुटिया, लोटे से छोटे। खाट, लाठी, यह लगा तो लठिया, यानी लाठी से छोटा। खाट, यह लगा तो खटिया, छोटी खाट। डिब्बा, यह लगा तो डिबिया, यानी छोटा डिब्बा। ठीक, ऐसे और हैं, रस्सा, पहाड़, टोकरा, ढोलक, झंडा, इनमें ई लगा तो रस्सी, पहाड़ी, टोकरी, ढोलकी, झंडी। संदूक पे डी लगा तो संदूक चढ़ी, संदूकड़ी, सॉरी। पंख पे लगा तो पंखुड़ी। ऐसे सांप, खाट, घड़ा, इनमें ओला पड़ा तो सपोला, खटोला, घटोला। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग बच्चों? हाँ, इस तरीके से जो है, और इसके बाद जो है लास्ट में स्त्री बोधक। ठीक, स्त्री बोधक का बोध कराने वाले, देखो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले। ठीक है, जैसे सुत, आ प्रत्यय लगा सुता, सुत यानी पुत्र, आ प्रत्यय लगा सुता बना, सुता यानी पुत्री। वृद्ध, आ प्रत्यय लगा तो वृद्धा यानी वृद्ध महिला। शिष्य, आ लगा तो शिष्या। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही प्रिया, आ प्रत्यय लगा तो प्रिया। ठीक इसी तरीके से देखो, चाचा, ई लगा तो चाची, लड़का, लड़की। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। मामा, मामी, इस तरीके से ई लग के, आनी लग के। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी हो गया यहाँ पे। भाव, भवानी। नौकर, नौकरानी। इन इन प्रत्यय लगा के भी स्त्रीलिंग हो जाए, माली, मालिन। धोबी, धोबिन। पुजारी, पुजारिन। सुनार, सुनारिन। नी लगा के भी शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। ऊंट, ऊंटनी। इका लगा के नायक, नायिका। बालक, बालिका। गायक, गायिका। इनी लगा के हंस, हंसनी। हाथी, हाथिनी। स्वामी, स्वामिनी। ऐसे चौबे, आइन लगा के चौबाइन। पंडा, पंडताइन। ठीक है, ये अलग, कुत्ता, कुतिया। बंदर, बंदरिया, चूहिया, इस तरीके से। लास्ट में देखे, बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, बहुवचन का बोध कराने वाले। ठीक है, जैसे माला, ए लगाए प्रत्यय तो मालाएं, यानी एक से ज्यादा मालाएं। कन्या, ए लगाए प्रत्यय तो क्या हो जाए, कन्याएं। कविता, ए प्रत्यय लगाए तो कविताएं। ठीक है, या लगा के भी जैसे गाड़ी, गाड़ियां। बेटी, बेटियां। कुर्सी, कुर्सियां। ये तो थे बेटे आप लोगों के तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसके अलावा जो है अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, जैसे बाजी, ग लगा तो बाजीगर, जादूगर, सौदागर। आना लगा के रोज, रोजाना, सालाना, हरजाना, आजमाइश,
फरमाइश, रिहाइश, रंजिश, साज प्रत्यय लगेगा तो घड़ी साज, जाल साज, ठीक है। ऐसे ही जो है गी लगा तो क्या, नाम जदी, पसंदगी, सादगी, ची लगा प्रत्यय तो अफीमची, तोपची, खजांची, गा लगा तो मददगार, खिदमतगार, गुनहगार, दा लगा तो चौकीदार, थानादार, फौजदार, रिश्तेदार, ठीक है। ऐसे ही चाल लगा तो चालबाज, दगाबाज, कार लगा तो फनकार, बदकार, सलाहकार, खोर लगाए तो गमखोर, चुगलखोर, मुनाफाखोर, सूदखोर, ठीक है। ऐसे ये बहुत सारे और भी हैं, देखिए इस तरह, खौफनाक, शर्मनाक, दर्दनाक, कसूर खता में वा लगा तो कसूरवार, खतावार, कमल पीक पान फूल में लगा तो कमलदान, पीकदान, फूलदान, और भी हैं जैसे ये देखिए, ठीक है। उर्दू फारसी के ये जो मूल शब्द हैं ये इनमें प्रत्यय लगे हैं और ये जो है नए शब्दों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो है आप जो है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, ये देखिए ये प्रत्यय है, वो ता आ की, और इनसे बनाओ जैसे शैसव, गौरव, लाघव, स्वतः, मूलतः, बौद्ध, शैव, शाक्त, ठीक है। ऐसे ही जो है किय लगाए तो स्वकीय, राजकीय, तम लगाए लघुतम, महत्तम, ठीक है। और भी देख लीजिए आप लोग इस तरीके से, देखिए तर, अधिकतर, उच्चतर, ठीक है। दाई, उत्तरदायी, सुखदायी, मय, तोपमय, शांतिमय, वादी, अहिंसावादी, न्यायवादी, शालीमय, वैभवशाली, प्रभावशाली, आत्मक प्रत्यय लगा तो क्या नए शब्द बने, एकात्मक, कलात्मक, आस्पद प्रत्यय लगने के बाद क्या बने, विवादास्पद, संदेहास्पद, कालीन, अल्पकालीन, सायकालीन, ग्रस्त, रोगग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त, जनक, आपत्तिजनक, चिंताजनक, ठीक है। ये मूल शब्दों से प्रत्यय लगने के बाद बने हैं। ये देखिए और भी हैं संस्कृत के, निष्ठ, एकनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, है ना, प्रद, कष्टप्रद, लाभप्रद, बद्ध, क्रमबद्ध, लिपिबद्ध, रहित, ज्ञान रहित, धैर्य रहित, ठीक है। श, अक्षर स, कोटि स, वत, पुत्रवत, आत्मवत, त्र, अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र, चित, कदाचित, किंचित, आत्र, पश्चात, अर्थात, ठीक है बेटा। और ये है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होना, ठीक है। दो प्रत्यय जब एक साथ प्रयोग हो, जमीन दार, तो जमीन और दार इसमें दो प्रत्यय एक साथ आए हैं। ऐसे ही बच्चा और पन, और इसमें दो प्रत्यय कह रहे हैं, बच्चा मूल शब्द था, पन और आ तो बचपना। मानवता में भी दो लगे हैं, मानव मूल शब्द है, ये और ता, इसमें जो है दो दो प्रत्यय लगे हैं, ठीक है। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग एक साथ आते हैं, जैसे ये शब्द है अधार्मिक, ठीक है, अ उपसर्ग है, इक प्रत्यय है और धर्म क्या है, मूल शब्द है। इसी तरीके से और भी ये शब्द हैं, ठीक है बेटा। अभी के लिए इतना ही, बाकी जो है ये जितने भी इनके अभ्यास प्रश्न हैं मैं अगली वीडियो में आपको करके इनको दूसरी वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, एक दूसरे से निश्चित दूरी बना के रखिए, अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं, हाथों को सैनिटाइज करिए और वीडियो देखते रहें बेटा।